हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ दबलीना, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है मंगलवार और अभी बज रहा है सुबह का 11। तो अभी से मैं मेरा आज का वीडियो ब्लॉग चालू कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा ना गर्मी है, 2 दिन हल्का सा बारिश हुआ था, फिर अभी वही मतलब कड़कती हुई धूप, चिड़चिड़ा गर्मी। और आज बहुत ही हल्का फुल्का खाना बनेगा। लंच में बनाऊँगी मैं जो कुमड़ो साग मैंने दिखाया था, यानी पामकिन का, वही मैं काट लिया है। दोनों के लिए हो जाएगा जितना सा निकला है साग, तो उसका सब्जी बनाऊंगी। और थोड़ा सा चिकन पड़ा है, फ्राई वाला कुछ चिकन बना लूंगी तो हो जाएगा। तो आज का मेरा जो भी करूंगी, जो भी है पूरा दिन का, तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो वीडियो के साथ पूरा जुड़े रहिए। तो चलिए फिलहाल आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और अगर पसंद आए तो लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सब्जी में यही लेके आई हूँ, थोड़ा सा टमाटर, इधर है फ्रेश झींगे, बैंगन, पालक, शिमला मिर्च और सजीना का डाटा। तो इतना ही सब्जी है आज। तो फटाफट ना पहले सब्जी काट लेती हूँ, क्योंकि अभी अभी सोसाइटी का जो ग्रुप का मैसेज है, उधर मैसेज आया है कि पानी का कुछ लीकेज का प्रॉब्लम हो रहा है, तो पानी अभी बंद हो जाएगा, नहीं रहेगा। तो फटाफट सब्जी वब्जी काट लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तो इधर मैंने सारे वेजिस को काट कर लिया है। इधर है पामकिन का शाक, आप देख सकते हो, जो भी है थोड़ा सा ही है, लेकिन घर का बिना सार का है, बिना दवाई का है, तो अच्छा होता है। और इधर है थोड़ा सा कुंदरी यानी टिंडोरा, इधर रखा है आलू, ऐसे लंबा पीसेस में काट करके रखी हूँ। थोड़ा सा बैंगन लिया है और एक बड़ा साइज का प्याज को ऐसे स्लाइस काट करके रखी हूँ। तो अभी एक मसाला तैयार कर लूँगी, उसके लिए चाहिए 2 चम्मच खसखस यानी कि पोस्तो, 1 चम्मच सरसों, आप काली सरसों का भी यूज़ कर सकते हो, और एक सूखी लाल मिर्च। तो अभी इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेती हूँ। तो आप देख सकते हो स्मूथ पेस्ट बना लिया है, अभी इसको ढक के रख देती हूँ। तो कढ़ाई चढ़ा दिया है, अभी इसमें डालूंगी 2 चम्मच का करीब सरसों का ऑयल। तो अभी ऑयल पे डालूंगी 1 सूखी लाल मिर्च, 1 तेज पत्ता, 1/2 चम्मच होल जीरा, 1 पिंच कलौंची, 1/2 चम्मच सौंफ यानी फिनेल सीड। तो होल स्पाइसेस से यानी फोड़न से अच्छा सा खुशबू निकलना चालू हो चुका है। इस टाइम डाल दूंगी काट के रखा हुआ प्याज, थोड़ा सा नमक, प्याज को 1/2 फ्राई कर लूंगी। तो अभी डालूंगी 1/2 इंच अदरक का पेस्ट, अदरक का कच्चा स्मेल जाने तक फ्राई कर लूंगी। तो अभी इसमें एक एक करके सारे भेजिस को डाल दूंगी, टिंडोरा, आलू, बैंगन। आप इसमें परवल में डालूंगी नमक स्वाद अनुसार, आप इस पे बहुत सारे भेजिस डाल सकते हो, जैसे झींगे, पोटल यानी कि परवल, पामकिन, लेकिन मुझे मेरे घर पे जो था मेरे और मार्केट से जो मिला है वही मैं यूज कर रही हूँ। तो अभी सारे भेजिस को अच्छे से फ्राई करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो अच्छे से फ्राई हो चुका है सारे सब्जी। तो अभी डाल दूंगी सरसों और खसखस का पेस्ट। तो हो गया है सब्जी, अब देख सकते हो ग्रेवी एकदम कम हो चुका है, सूखा सूखा। तो इसको सूखा सूखा मतलब इतना ही ग्रेवी रहेगा और थोड़ा टाइम बाद और सूख जाता है। तो अभी इस टाइम डाल दूंगी 1/2 चम्मच चीनी, थोड़ा सा मीठा मीठा ये सब्जी खाने में अच्छा लगता है, मिक्स कर देने से रेडी। आप इसमें ना जो पामकिन लिप्स का सब्जी होता है, इस पर आप उड़द दाल का बड़ी भी डाल सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। फिलहाल मेरे पास सब कुछ ख़त्म हो गया था, क्योंकि बहुत दिनों से घर नहीं गई हूँ इसलिए नहीं है। तो आप देख सकते हो कि कैसा हुआ है, टेस्ट बहुत ही अच्छा हुआ है बिना बहुत सारे सब्जी के भी। तो एक बार घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये रहा हमारा आज का लंच का मेनू, इधर है कुमड़ो साग का यानी पामकिन शाक का सब्जी, इधर है राइस
और इधर है चिकन कोशा। तो चिकन कोशा मेरे हस्बैंड ने बनाया है, इसीलिए आप लोगों के साथ वीडियो शेयर नहीं किया है। तो चलिए अभी छोटा मोटा जो सारे घर का काम बाकी है पहले कर लेती हूँ, फिर उसके बाद लंच करने बैठूंगी क्योंकि टाइम भी हो गया है, बहुत लेट हो चुका है। तो पूरा पसीना पसीना हो गया, सोच रही हूँ पहले लंच करूँगी उसके बाद और एक बार नहा के धो के अच्छे से फ्रेश हो जाऊँगी। तो फिलहाल अभी बाकी का थोड़ा काम कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। हमारा आज का लंच थाली राइस, थोड़ा सा नींबू, इधर है सैलड पे क्यूकम्बर और गाजर, इधर है पम्पकिन का सब्जी, पम्पकिन का साग का सब्जी, और इधर है चिकन कोशा। और ये रहा मेरा थाली, मुझे ऐसा पसंद है खाने में तो मैं इसीलिए सब कुछ ऐसे ही थाली पे ले लेती हूँ, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। तो फिलहाल अभी लंच कर लेती हूँ क्योंकि टाइम हो चुका है लंच का, ऑलरेडी 2 बज के शायद 2:30 बजने वाला है। तो अभी फिलहाल फटाफट लंच कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ आराम से बैठ के। तो लंच वंच करने के बाद, सारा काम करने के बाद, थोड़ा सा नहा वहा के पानी आने के बाद थोड़ा रेस्ट कर रही थी, फिर अचानक से हस्बैंड ने बोला 5:30 बजे के करीब कि चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं। तो आरे वारे बीच बहुत ही ज़्यादा पसंद है मुझे क्योंकि इधर का जो व्यूज़ है, नज़ारा है सनसेट का टाइम का, बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग गए थे और आज अभी हॉलीडे सीजन चल रहा था इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत ज़्यादा क्राउड था। अब देख सकते हो बच्चे वगैरह सब बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था। तो ये जो जगह है ना, ये बेसिकली एक नदी या खाड़ी ऐसे कुछ बोलता है, समुंदर और जो नदी जैसा निकल कर जाता है समुंदर से, उस जगह है। तो देख सकते हो कि बीच कितना दूर पर है और हम लोग कितना अंदर तक आ गए थे क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा उस टाइम कम था, लेकिन जितना टाइम जा रहा था उतना पानी बढ़ भी रहा था तेज़ी से। तो फिर हस्बैंड ने मुझे बोला कि चलो 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 अभी इधर से चलो, क्योंकि उसको मतलब थोड़ा, क्योंकि खाड़ी जो बोलते हैं ना हम लोग के, वो थोड़ा रिक्स की होता है, कहीं पे भी जो बालू होता है वो बहुत नरम होता है तो कुछ भी घटना घट सकता है। लेकिन सब लोग इन्जॉय कर रहे थे बच्चे से, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम। हम लोग आए थे इस जगह पे, बहुत ज़्यादा कम पानी था, अभी तो मेरा एकदम घुटने तक पानी आ चुका था तो आप देख सकते हो। लेकिन अभी भी लोग अंदर के तरफ जा रहा था, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि नहीं, ज़्यादा रिस्क लेना अच्छा नहीं, अचानक से तेज़ी से पानी बढ़ जा रख जाएगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हम लोगों को इतना दूर तक आना भी था। तो जो भी है आज का वीडियो आप देख ही सकते हो, इतना सा ही है मेरा आज का जो ब्लॉग है, डेली का लाइफ है। तो बहुत अच्छा है सनसेट, आप देख सकते हो कि कितना सुंदर लग रहा है सनसेट। तो आज का वीडियो मैं यही पेंट कर देती हूँ, अगर आप लोग को पसंद आए लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलूँगी, टेक केयर, बाय बाय।